हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि द्वितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा तत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्लोक नंबर 21 देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्यान्न हठात् पुमान् जाग्रत्यान्न हठात् पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधित्वतः ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालुः शास्त्रदर्शिनः अपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत देहादि आत्मत्व विभ्रांतौ हठात् पुमान हठात् माने ये दृढ़ बुद्धि है हमारी देहादि में हमारी आत्मबुद्धि दृढ़ है जन्म जन्मांतर से हम अपने आप को देह मन बुद्धि मानते आए हैं और इसीलिए ये इतनी दृढ़ बुद्धि हमारी हो गई है
और इसलिए कहते हैं ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम न क्षमते, न जो है वो अगली पंक्ति में है वो दूसरी पंक्ति में लाना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं जो ये भ्रांति में बैठे हुए भ्रांत, जो देहादि में आत्मबुद्धि करके जो बैठे हैं उनके लिए ये जानना जो है न विज्ञातुम क्षमते। मंदधित्वतः कल हमने देखा बुद्धि की जो मंदता है वो मंदता ही हमारे लिए प्रतिबंधक बन के बैठ गई है। तो बुद्धि की बुद्धि में जो प्रतिबंधक है, जो बुद्धि की मंदता है, माने कि बुद्धि की स्थूलता है, जड़ता है, बुद्धि की स्थूलता जड़ता की निवृत्ति करनी है। मनुष्य जन्म तो मोक्ष के लिए ही है और ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ब्रह्म ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति है। देखो ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान ने की है, ये ब्रह्मांड में ही अनेक प्रकार की योनियां है, मनुष्य भी एक योनी है, आप समझो। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ अनेक प्रकार की योनियां भी भगवान ने बनाई है, तो योनियां का जो सर्जन हुआ है, तो जितनी योनियों का सर्जन हुआ है वो योनियों को जीवंत रखने के लिए जो भी आवश्यक है, आप समझो, वो भी ये ब्रह्मांड में होना चाहिए। ये शरीर को जीवंत रखने के लिए जल की आवश्यकता है, तो बाहर जल उपलब्ध होना चाहिए। ये शरीर के लिए प्राण आवश्यक है, वायु आवश्यक है, तो वायु बाहर होना चाहिए। अब देखो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है, तो अन्न भी उत्पन्न होना चाहिए। अब तो भगवान ने यह मनुष्य शरीर बनाया है, तो यह मनुष्य शरीर के लिए जो जो आवश्यक जो है उन सब की भी भगवान ने उत्पत्ति की है, सर्जन किया है। वायु जल और अन्न जो है ये शरीर के लिए आवश्यक है और बाहर वो उपलब्ध है। और वायु भी कितने प्रमाण में होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना, प्राण वायु कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अंगार वायु कितना होना चाहिए, आप देखो नाइट्रोजन का प्रमाण कितना होना चाहिए, ये प्रमाण से ये वातावरण है, ये वायु है, आप समझो। तो ये शरीर के लिए जो आवश्यक है ये पृथ्वी पर भगवान ने ये सब रचना करके रखी है। वायु का कितना दबाव है आप देखो वो भी है, आप समझो। तो भगवान जब ये रचना करते हैं और ये उत्पत्ति योनि की उत्पत्ति करते हैं, तो योनि के लिए जो आवश्यक है वो भी उत्पन्न करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनकी जो सॉरी उनकी जो सृष्टि है वो सृष्टि परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, आप समझो। आप देखो तो ये मनुष्य के लिए जीवंत रहने के लिए जल वायु और अन्न आवश्यक है, तो उनकी रचना भी भगवान ने करके रखी है। वायु भी है, अन्न भी है, जल भी है। और ये शरीर के लिए मीठा अन्न की आवश्यक, मीठा जल चाहिए। सागर का जो जल है वो नमकीन है, वो हमारे शरीर के लिए योग्य नहीं है, तो उनके लिए वर्षा है। आप देखो वर्षा के द्वारा भगवान हमें पेय जल माने कि पीने के योग्य जल हमें देते हैं भगवान, अन्न भी भगवान देते हैं, आप समझो। उसी प्रकार से आप देखो ये तो ये मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य जन्म में कर्मण्येव तव अधिकार है,
जिस प्रकार से ये योनि में वायु जल और अन्न आवश्यक है और ये मनुष्य शरीर में हमें कर्म की स्वतंत्रता है, हमारे अंदर स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। अब जब हमारे अंदर संकल्प शक्ति है, स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, कर्मणि एव तव अधिकार है, तो कर्म करना, कर्म न करना, कर्म अन्य प्रकार से करना, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा वारे कर्तुम शक्य, तो ये भी उपलब्ध है, कर्म की स्वतंत्रता है आपके पास। और आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है तो पाप और पुण्य भी है। सिंह या गो माता के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, आप समझो। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है और इसलिए मनुष्य के लिए जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के कारण पाप पुण्य भी है। अब देखो ये स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो ये स्वतंत्रता हमें क्यों दी गई है, उनका कोई प्रयोजन होना चाहिए ना, तो ये स्वतंत्रता का प्रयोजन क्या है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, ये जितने भी संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत भी जितने भी संप्रदाय है, अधिकतर जो संप्रदाय है वो क्या कहते हैं, आप ये जप करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये ध्यान करो, क्या होगा, तो कहे आप शिव धाम जाएंगे, आप गोलोक जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे। अब देखो तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या स्वर्ग है? अगर ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है तो सीधे ही भगवान को हमें स्वर्ग में भेज देना चाहिए। यहां मनुष्य जन्म देने की आवश्यकता क्या है हमें? अब देख, अभी देखो ये दिवाली आएगी, दिवाली की छुट्टी होगी और छुट्टी में सब प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो जितने ये टूरिस्ट वाले हैं, ट्रैवलर्स, वो क्या करते हैं? आप देखो जितने भी समाचार पत्र है सब जगह पर ये ट्रैवलर्स जो है सब अपने अपने पब्लिसिटी करते हैं, इतने हजार में श्रीलंका की रामायण यात्रा, इतने में चार धाम यात्रा, अब उनको टूरिज्म कहते हैं। तो ये प्रवासन है, तो अगर ये मनुष्य जन्म जो है ये मनुष्य जन्म स्वर्ग में जाने के लिए है, अब ये लोक में जाएंगे, वो लोक में जाएंगे, यहां जाएंगे, अब देखो इतने सारे लोक बना के रखे हमने और लोग उनके पीछे पड़ते हैं, बहुत गंभीरता से पड़ते हैं। तो स्वामी जी कहते थे कि ये जितने भी संप्रदाय है जो अन्य लोक की बात करते हैं, अन्य लोक गमन की बात जो कर रहे हैं, तो वो तो क्या कर रहे हैं, टूरिज्म प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप स्वर्ग में जाएंगे, अब तो ये मनुष्य जीवन स्वर्ग के लिए है क्या? अब देखो ये मनुष्य जन्म स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है, आप समझो ठीक से ही। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, भगवान स्वयं दूसरे अध्याय में कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, स्वर्ग काम पराः, उनका जीवन ये स्वर्ग में समर्पित है, लेकिन भगवान उनके क्या अविपश्चित है, अविचारी है, अविवेकी है। अविपश्चित का अर्थ तो सीधा होता है जिसकी बुद्धि उल्टी होती है, जो उल्टा सोचते हैं, अविपश्चित है। हमने देखा अविचारी ना, जो विचार करते नहीं है, जो तत्व विचार नहीं कर रहे, जो नित्य नित्य का विचार नहीं कर रहे हैं, उनको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने जो ये
स्वतंत्र संकल्प शक्ति प्राप्त हुई, फ्री विल जो हमें प्राप्त हुआ है किसके लिए है? बहुत सारा पुण्य की कमाई करके कि हमें स्वर्ग में जाना है। जिस प्रकार से यहां जो टूरिज्म प्रमोशन करते हैं तो ये संप्रदाय भी क्या कर वही कर रहे हैं, और सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा जो लोक है वो श्रेष्ठ है, और वो लोक के इतनी बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि हमारे मन में भी एक प्रलोभन आ जाता है, हाँ एक बार हो आइए वहां पर। तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, अन्य ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप समझो, कर्म की जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वो भी यहां अन्य आहार निद्रा भय मैथुन उनके लिए नहीं है। कल मैंने कहा ना, आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको प्राप्त होगा, उनके लिए आपको विशेष प्रकार से कोई प्रयत्न नहीं करना है। गुजराती में इसलिए कहते हैं अगर प्रारब्ध में लिखा है तो थोड़े प्रयत्न से भी आपको मिल जाएगा, और अगर प्रारब्ध में नहीं है तो आप कितना भी प्रयत्न करते रहो आपको नहीं प्राप्त होगा। तो स्वर्ग जो है अनेक लोग चर्चा करते हैं, आप समझ, कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, पुण्य हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप समझो, कर्म की स्वतंत्रता है हमें, लेकिन कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। दूसरे अध्याय में ही भगवान ये निंदा करते हैं, ऐसा नहीं है। नवमे अध्याय में वापस भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आप बहुत सारे पुण्य की कमाई आप करेंगे यहां पर, जब पुण्य पुण्य का अर्जन किया है आपने अवश्य आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, उनमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो स्वर्ग लोक में जाके फिर क्या होगा? क्षीण पुण्य, जिस पुण्य से आप स्वर्ग लोक गए हैं वो पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो वापस आप यहां आएंगे। क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। वेद स्वयं अपने कर्म की मर्यादा दर्शाते हैं। यद्यथा कर्मचितः लोकः क्षीयत यद्यथा, जिस प्रकार से कर्म के द्वारा इस लोक में आप जितना भी उपार्जन करते हैं, जितना भी प्राप्त करते हैं, क्षीयते वो नष्ट हो जाता है। तत्तथा अमूत्र लोके पुण्यचितः लोकः क्षीयते, पुण्य के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर लो वो क्षय हो जाएगा एक दिन उनका। आप समझ रहे हो, जीवन जीना, मनुष्य जीवन जीना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, कर्म हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, अन्य ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप समझो, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है? ये कर्म की स्वतंत्रता किसके लिए है, और स्वतंत्रता का सदुपयोग क्या है? बहुत सारे लोग को मैं जानती हूं, वो ऐसा सोचते हैं स्वामी जी हमने बहुत कमाई कर दी, बहुत मेहनत कर दी, अब हम रिटायर हो गए, शांति से रहेंगे। आपका मन आपको शांति से रहने ही नहीं देगा, ये करेंगे वो करेंगे, यहां जाएंगे उसको मिलेंगे उसको मिलेंगे, अब भटकते रहते हैं हम, शांति से बैठना हम जानते ही नहीं है। तो कर्म की स्वतंत्रता का सदुपयोग क्या है? और वो अगर है तो जिस प्रकार से ये शरीर के लिए भगवान ने यहां पर जल वायु और अन्न की व्यवस्था करके रखी है, तो जो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उनकी भी भगवान को व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी।
वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। आप देखो ये मनुष्य जीवन मोक्ष द्वार है। अगर ये मोक्ष ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। उपनिषद है, गीता है, अनेक ग्रंथ है। अब देखो तो भगवान तो कहते हैं कि मैंने तो ये व्यवस्था उपलब्ध करके रखी है। अनेक ऋषि मुनि हो गए, अनेक उपनिषद है, तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य जो सिद्ध करना है उनके लिए भगवान ने वेदांत की व्यवस्था करके रखी है। लेकिन हम वेदांत के पास जाए ही नहीं, वेदांत श्रवण करते ही नहीं है। और मंदधी जो कहते हैं भगवान, भारतीय तीर्थ मुनि जो मंदधी कहते हैं भगवान, अविपश्चित है कहते हैं। बाह्य जगत की दृष्टि से तो वे लोग बहुत ही बुद्धिमान है। आप समझो बाह्य जगत की दृष्टि से उनके पास बहुत सत्ता भी है, संपत्ति भी है, सिद्धि भी है, प्रसिद्धि भी है उनके पास। तो बाह्य जगत की दृष्टि से तो वो लोग के पास बहुत कुछ है, पर जब आत्म तत्व की बात आती है तो वो मंदधी ही। आप देखो चिन्मयानंद जी इनके लिए एक दृष्टांत देते हैं। कि अगर मुझे वृक्ष को काटना है तो वृक्ष को काटने के लिए क्या करेंगे? कुहली हम हाथ में लेंगे, एक्स कहते हैं जिसको, हिंदी में एक्स को क्या कहते हैं, गुजराती में कुहाड़ी कहते हैं, कोई लिख के दे दो मुझे। तो वृक्ष को काटने के लिए एक्स की आवश्यकता है। अब लेकिन ये पुरुष लोग को जो ये शेविंग करना है तो क्या वो एक्स से वो शेविंग करेंगे क्या? नहीं, उनके लिए वो ब्लेड चाहिए। आप देखो और ये जो ब्लेड है उससे क्या वृक्ष आप काट सकते हो? नहीं। आप सब वस्तु अगर सूक्ष्म है तो उनका साधन भी सूक्ष्म होना चाहिए। अब देखो कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी जो है कुल्हाड़ी के द्वारा हम वृक्ष काट सकते हैं, अब लेकिन शेविंग नहीं कर सकते हम। लेकिन शेविंग के लिए जो हम चाकू या जो भी यूज करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, तो उससे हम वृक्ष नहीं काट सकते। आप उसी प्रकार ये जगत के लिए हमारे पास बुद्धि जो है बहुत चलती है हमारी बुद्धि, लेकिन जब आत्म तत्व की बात आती है मंदधीत्वतः। आप देखो मनुष्य जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष है तो भगवान ने उनकी व्यवस्था करके रखी है। आप समझो ठीक से, तो वो जो व्यवस्था करके रखी है लेकिन उनके और हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अगर ध्यान गया भी हमारा तो उनके लिए हम समर्पित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? देहात्मत्व विभ्रांत। आप देखो आदिमानी सब कुछ आ गया। आप समझो देह इंद्रिय मन बुद्धि परिवार सत्ता संपत्ति सिद्धि, कहां कहां हमारा मन जो है भटक जाता है। योग दर्शन में भी विभूति योग है। आप समझो अनेक प्रकार की सिद्धि की बात वहां की गई है, यम नियम से भी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपकी निष्ठा अहिंसा में हो जाती है तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपकी निष्ठा सत्य में हो जाती है तो उससे भी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर सत्य में आपकी निष्ठा हो गए तो आप जो बोलते हैं वो सिद्ध होता है, सत्य वचन हो जाता है। लेकिन वो विभूति योग में ही आप देखो
पतंजलि मुनि स्वयं कहते हैं कि ये जितनी भी सिद्धियां विभूतियां जितनी भी है वो सब समाधि के लिए विघ्न रूप है। आप देखो ये हमारे जीवन का लक्ष्य सिद्धि विभूति नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य वो समाधि है, लेकिन वो समाधि के लिए ये जो विभूति जो सिद्धि है वो हमारे लिए विघ्न रूप है। तो सिद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, धन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, भोग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, धर्म भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप समझो धर्म से हम पाप पुण्य जो उत्पन्न करते हैं वो भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए जो मोक्ष पुरुषार्थ को नहीं समझते वो सब मंदधी है। मंदधी माने बाकी जगत की दृष्टि से बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत धनवान भी होंगे, लेकिन जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से विचारते हैं तो वो लोग मंद बुद्धि है, छोटी छोटी बात में वो फंस जाते हैं। मंद बुद्धि माने कि छोटे छोटे लाभ में हमारी बुद्धि जो है अटक पड़ती है। अनित्य जो लाभ है, छोटे जो लाभ है, उनके अंदर ही हमारी बुद्धि फंस जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, एक वास्तविकता आपके सामने रखती हूँ कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी ये ध्यान के संप्रदाय आपको कहाँ ले जाते हैं, एक विशेष प्रकार के अनुभव आपको करवाते हैं। अनुभव आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, सब अनुभव जिसके कारण हो रहा है वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है इसका जानना ही आपका जीवन का लक्ष्य है। अब देखो तो ये लक्ष्य को मोक्ष पुरुषार्थ को जो समझते नहीं है, जो नित्य नित्य का विवेक करते नहीं है, जो कर्म में फंसे हुए हैं, जो सिद्धि में फंसे हुए हैं, जो भोग में फंसे हुए हैं, वो सब मंद बुद्धि है। आप समझ, मंद बुद्धि मानी आप आजकल जो ये चल रहा है मंद बुद्धि की बात नहीं है, मंद बुद्धि मानी की जो मोक्ष पुरुषार्थ को समझते नहीं है, जिसको आत्मज्ञान में रुचि नहीं है, जिसको शास्त्र श्रवण में रुचि नहीं है, जिसको भक्ति में रुचि नहीं है। अब हमारी भक्ति से ही रुचि नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि जिसकी मंद बुद्धि मंदधित्वतः मंद बुद्धि के कारण न क्षमते, वो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं रहते हैं। अब तो बोले ये सामर्थ्य कैसे आएगा, ईश्वर अनुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना। अष्टावक्र गीता में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह से ही ये होगा। जितनी आपकी निष्काम भाव से भक्ति होती रहेगी उतनी ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी, जितनी बुद्धि आपकी सूक्ष्म बनेगी उतने ही वो नित्य अनित्य का विवेक करेगी। आप सब जो लोग अनेक वर्षों से ये वेदांत पढ़ते हैं सुनते हैं उनके मन में ऐसा हो जाता है ये तो बहुत सरल है स्वामी जी, ये सरल नहीं है। आप समझो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, भगवान भी कहते हैं नचिकेता ने जब ये ब्रह्म विद्या की बात कर दी तो यमराजा ने कहता क्या कहा, बोले कि देवताओं के लिए भी ये ब्रह्म विद्या दुर्लभ है। आप देखो देवता माने वो पुण्यशाली जीव है, इतना पुण्य किया है, लेकिन जितना वो पुण्य है वो सब आदि भौतिक पुण्य है, आध्यात्मिक पुण्य से ही आपको ईश्वर का अनुग्रह की प्राप्ति होती है, और ईश्वर का अनुग्रह होगा तब आपके मन में अद्वैत वासना आएगी। आप सब और इसलिए ये मंद बुद्धि मानी ये हमारे लौकिक दृष्टि से जो हम मंद बुद्धि जिसको कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, जिनको ईश्वर चिंतन में आनंद नहीं आता है, जिसको भक्ति में आनंद नहीं है, जिसको शास्त्र श्रवण में आनंद नहीं, ये सब मंद बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि में स्थूलता है, जड़ता है, बुद्धि की जो जड़ता है बुद्धि की जो स्थूलता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं श्रुत्वापि न च वेद कश्चित्,
श्रवण करने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये उनके बुद्धि की मंदता है, आप समझे? ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम न क्षमते, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है। अब देख, और वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ये ध्यान दीप है, आप समझ। ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा ही हम ये तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उपासना से ही हमारी बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, एकाग्र बनती है, आप समझो। तो हम ध्यान को मना नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं करना ऐसा नहीं कहते, लेकिन ध्यान का लक्ष्य विशेष प्रकार का अनुभव नहीं है, हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता प्राप्त करना है, शुद्धि प्राप्त करना है, एकाग्रता प्राप्त करना है। ध्यान का भी जो लक्ष्य है वो क्या है? ध्यान का लक्ष्य जो है वो हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, तीक्ष्ण बनेगी, एकाग्र बनेगी, शांत बनेगी। आप तो ध्यान भी आवश्यक है, और इसलिए कहते हैं कि मंदी बुद्धि की मंदता जो है वो मंदता की निवृत्ति के लिए ही ये उपासना है, आप समझे। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम् श्रद्धालोहो शास्त्रदर्शिनः। कुछ हो जाता है, अम्मा बिल्कुल असुरक्षित हो जाती है, तो मैं उनकी सुरक्षा हूं। और इसलिए कहते हैं श्रद्धालोहो शास्त्रदर्शिनः ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम्। अब शास्त्रदर्शिन माने की जो शास्त्र श्रवण करके शास्त्र के द्वारा जो दृष्टि प्रदान की गई है वो दृष्टि उनके पास है, और उनको शास्त्र में श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप देखो चौथे अध्याय में भगवान वही कहते हैं। भगवान दो प्रकार के साधन दर्शाते हैं। ब्रह्म ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है, जिसके द्वारा हमें ये मनुष्य जीवन की सिद्धि कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकते हैं, तो उनके लिए भगवान भी वहां दर्शाते हैं। आप देखो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, वो आत्मा को ब्रह्म स्वरूप अर्जुन आप जान लो, ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, लेकिन उनको जानने के लिए क्या करना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वो आचार्य के शरण में आप जाइए, भौतिक रूप से शरण नहीं है, बुद्धि की शरणागति चाहिए, इसलिए श्रद्धा आवश्यक है, आप समझो। क्योंकि हम जो सोचते हैं और हमारे आचार्य जो हमें कहते हैं वो उसमें कोई मेल नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि वो आचार्य के शरण में हम जाए, प्रणिपाते न परिप्रश्न, ये शास्त्र के अनुरूप हम प्रश्न पूछ लें, सेवा उनकी सेवा करें हम। सेवा करना माने कि उनके जीवन में हम ऐसी व्यवस्था बना के रख दे कि वो शास्त्र अध्ययन कर सके, वो हमें शास्त्र अध्ययन करा सके। तो
तो सेवा माने कि उनके जीवन का जो भी कोई आवश्यकता है वो आवश्यक पूर्ति हम करते रहे, तो वो हमारे लिए, वो ये सब दायित्व से जब मुक्त होंगे तभी तो हमें वो शास्त्र श्रवण करवा सकते हैं, वो स्वयं शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं उनकी सेवा करो, उनके शरण में जाओ और उनको प्रश्न पूछो, तो वो क्या करेंगे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, आपको वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन वो कौन है, ज्ञानी नह तत्वदर्शी नह, आप देखो दो शब्द है, ज्ञानी नह मानी श्रोत्रिय है, जिसने शास्त्र अध्ययन किया है, अपने गुरु के पास अपने आचार्य के पास बैठ के उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, आप सब चौथे अध्याय के आरंभ में ही भगवान इसे कहते एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त है, कोई स्वयंभू गुरु नहीं, आप समझो ऐसा मत मानना वो हिमालय में ऐसे रहे और उसको ऐसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो वहां बैठे थे सुबह 5 बजे उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये क्या है, अगर उनको ऐसे बैठ के ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो उसको मेडिकल का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, उसको रसायन शास्त्र का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, अपराविद्या का ज्ञान अचानक नहीं होता है तो पराविद्या का ज्ञान अचानक कैसे हो जाएगा, थोड़ी तो बुद्धि रखो। लेकिन हम उनके ऊपर इतने समर्पित होते हैं, उनके ऊपर इतनी श्रद्धा करते हैं, आप देखो कोई अचानक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझो उपदेक्षन्ति ते ज्ञान शास्त्र, आप देखो संपूर्ण शास्त्र में ब्रह्म विद्या का, आप देखो गुरु और शिष्य का संवाद है, संवाद के द्वारा क्या कहते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, आप देखो ब्रह्म विद्या गुरु और शिष्य का संवाद है, उपदेक्षन्ति वो गुरु हमें उपदेश करेंगे और ज्ञान हमें अवश्य होगा, वो ज्ञानी है माने कि उन्होंने भी अपने आचार्य के पास बैठ के शास्त्र श्रवण किया है, तत्वदर्शिन है उन्होंने जो शास्त्र में उपदेश किया है वो उनकी वो तत्व में उनकी निष्ठा तत्वदर्शन उन्हें हुआ है, आप देखो। लेकिन किसी को तत्वदर्शन हुआ कि नहीं, कोई तत्वदर्शी है कि नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं, वो हम नहीं जान सकते, लेकिन वो ज्ञानी माने कि वो श्रोत्रिय है कि नहीं हम समझ सकते, मुंडक उपनिषद में भी यही कहा, परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेद आयात नास्ति अकृत कृतेन, कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये कर्म से ही जिनको वैराग्य हो जाता है, ये भोग से जिसको वैराग्य हो जाता है उसको क्या करना चाहिए, सगुरु में वह भी गच्छेत, उनको गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन वो गुरु कौन है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रियम, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, आप समझो किया है नहीं करते हैं, हम देखो वर्तमान काल है, स्वाध्याय प्रवर्तनाभ्यम न प्रमदितम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी वो ब्रह्म में निष्ठा होगी, लेकिन कोई ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हमें नहीं मालूम पड़ता, वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो श्रोत्रिय है कि नहीं वो हम जान सकते हैं, ये दो है ना, ये दो के कारण 3 संभावना है, आप समझो, कोई श्रोत्रिय है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, कोई ब्रह्मनिष्ठ है लेकिन श्रोत्रिय नहीं, पूर्व जन्म के कोई किसी पर प्रतिबंधक के कारण ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, ये जन्म होते हैं, जन्म होते ही उनके जो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म में उन्होंने शास्त्र श्रवण नहीं किया है और इसलिए वो श्रोत्रिय नहीं है, स्वामी जी इसलिए शास्त्र इज अ टूल, आप समझो शास्त्र साधन है जिसके द्वारा गुरु हमें उपदेश कर सकते हैं, और तीसरे जो है वो श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है, अब कोई ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं हम नहीं जान सकते, लेकिन कोई श्रोत्रिय है कि नहीं वो तो हम जान सकते,
श्रोत्रिय की शरण में हम जाए, वो श्रोत्रिय के पास शास्त्र श्रवण हम करते रहे और उनकी सेवा भी हम करें और उनके द्वारा तद्विद्य अर्जुन तू जान ले ये ब्रह्म को। अब ये तीन साधन दर्शाए। बाद में भगवान और तीन साधन दर्शाते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। अब श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसको शास्त्र में वेदांत में गुरु में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, उसको अवश्य ज्ञान होता है। लेकिन उनके साथ साथ क्या होना चाहिए? तत्पर। उनमें भी वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्परता होनी चाहिए। हम देखो मंद बुद्धि के कारण वो तत्परता नहीं आती है। आप देखो, आप कनेक्शन, ये संबंध देखो, जिसकी बुद्धि में मंदता होती है उसके कारण उन्हें जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए तत्परता नहीं आती है। अब देखो स्वामी जी उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अग्रिमता, हमारे जीवन की अग्रिमता, प्राथमिकता क्या है। ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन का प्राथमिकता नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है उनके लिए। संयते इंद्रिय है, शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर कहते हैं, श्रद्धालु है लेकिन अगर तत्पर नहीं है, और संयते इंद्रिय, संयते इंद्रिय मानी उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो उनके अंदर प्रभुत्व में है, शम है, दम है, तितिक्षा है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं वो श्रद्धालु तो है लेकिन उनमें तत्परता अगर नहीं है, संयत इंद्रिय नहीं है, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। वो श्रद्धालु भी है, तत्परता भी है, उसको मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन संयत इंद्रिय नहीं है, अभी भी उनमें भोग बुद्धि है, विषय वासना है, तो उनको ज्ञान नहीं होगा। मानी कि तीनों एक साथ होना चाहिए, श्रद्धावान भी है, तत्परता भी उनमें है, और ये ब्रह्म ज्ञान की तत्परता के साथ साथ अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर उनका अपना नियंत्रण है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अब वही यहाँ कहते हैं श्रद्धालु हो शास्त्र दर्शी, जो श्रद्धालु लोग जो है, जो शास्त्र दर्शी है, सुविज्ञेयम् ब्रह्म मात्रम, उनके लिए बहुत सुविज्ञेय है। आगे के श्लोक में क्या कहा, ब्रह्मात्मत्वेन न क्षमते, वो ब्रह्म को, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि में मंदता है। और जिसकी बुद्धि में मंदता नहीं है, तत्परता है, सूक्ष्मता है, श्रद्धा है, शास्त्र दर्शी मानी की वो शास्त्र जो कहते हैं वो समझने के लिए, वो जानने के लिए उनकी बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता है, शास्त्र दर्शी मानी वो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, उनके लिए ब्रह्म मात्र के सुविज्ञेय, अत्यंत सरल है। आप देखो आगे मैं कहते गई, ब्रह्म ज्ञान सरल है, आप समझो, सुविज्ञेय है, विज्ञेय नहीं, सुविज्ञेय है। कोई भी ज्ञान सरल है, आप समझ लो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हमेशा वो सरल होता है, क्योंकि हमें प्रमाण प्रवृत्ति के, हमारी ओर से हमें कोई प्रवृत्ति नहीं करनी है, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, मात्र और मात्र प्रमाण का उपयोग करना है, प्रमाण प्रवृत्ति हमें करनी है। आप मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या प्रयत्न करना पड़ता है? आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। आप मुझे देख रहे हैं, आपकी आंख से आप मुझे, मेरा दर्शन कर रहे हैं, आपको क्या प्रयत्न करना पड़ता है? कुछ नहीं। आप जो आवश्यक है वो प्रमाण प्रवृत्ति, और वो प्रमाण प्रवृत्ति क्या है? शास्त्र दर्शीन है। आप देखो शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है, अगर शास्त्र श्रमण, शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है तो ज्ञान सुविज्ञेय है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? मंदतित्वतः। अब लेकिन जो श्रद्धालु है, जो तत्पर है, जिनके, जिन्होंने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर,
देखो इसलिए षटक संपत्ति जो है ना उनको संपत्ति कहा। आप देखो समाधि षटक संपत्ति, क्यों संपत्ति कहा? ये दैवी संपत्ति है, क्योंकि यही संपत्ति हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। शमः, शमः माने कि अपने मन पर अपना प्रभुत्व है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है वो आपके हाथ में होना चाहिए। दमः, इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार का भोग करना है किस प्रकार का भोग नहीं करना है वो कि आपके हाथ में होना चाहिए। तितिक्षा, ये शरीर से शीत उष्ण आदि बहुत कुछ होता रहता है लेकिन उनको सहन करने का सामर्थ्य भी हम में होना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा माने कि हमारी बुद्धि के अनुरूप, हमारे विचार के अनुरूप, हमारे तर्क के अनुरूप जो कह रहे हैं वो योग्य नहीं लगता है लेकिन उसमें हम सत्य बुद्धि करेंगे, श्रद्धा करेंगे। उपरति ही, उपरति माने अपने कर्तव्य कर्म का पालन हमें करना है, जो भी अवस्था हमारे जीवन की है, ब्रह्मचर्य है या गृहस्थ है वानप्रस्थ है, हमारे जीवन की जो अवस्था है वो अवस्था के अनुरूप हमारे जो जो भी कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन हमें करना है। या तो उपरति माने कि कर्म के प्रत्ये ही हमें वैराग्य हो जाए। समाधानम, समाधानम माने चित्त की एकाग्रता। तो ये छह जो है हमारा व्यक्तित्व है। आप देखो शरीर हमारा एक व्यक्तित्व है, कर्म हमारा व्यक्तित्व है, इंद्रिय हमारा व्यक्तित्व है, मन हमारा व्यक्तित्व है, बुद्धि हमारा व्यक्तित्व है, चित्त हमारा व्यक्तित्व है। अब देखो तो संपूर्ण व्यक्तित्व जो हमारा है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल है। तो हमारा व्यक्तित्व जब ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल है, शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं, ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम्, ब्रह्म जो है वो हमारे लिए बहुत सरलता से सुखपूर्वक हम उसको जान सकते हैं, क्योंकि प्रमाण प्रवृत्ति ही करनी है हमें। और इसलिए कहते हैं अपरोक्ष अद्वैत बुद्धि, परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। आप देखो तो बोले कि ये ठीक है, अपरोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष अद्वैत बुद्धि, आप देखो परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत, आत्मा अपरोक्ष है। अब ठीक से समझो, तो अपरोक्ष बुद्धि हमें होनी चाहिए लेकिन अपरोक्ष द्वैत बुद्धि ही, हमारे अंदर जो द्वैत बुद्धि पड़ी हुई है क्या वो अपरोक्ष जो है, परोक्ष ज्ञान जो है ना, परोक्ष अद्वैत बुद्धि। अब देखो शास्त्र श्रवण से जो हमें अपरोक्ष परोक्ष बुद्धि जो हुई है, तो बोलते हैं कि ये जो साक्षात अपरोक्ष द्वैत बुद्धि जो है वो क्या हमारी परोक्ष बुद्धि का नाश करेगी? नहीं, भले अपरोक्ष द्वैत बुद्धि है लेकिन हमारी जो शास्त्र के द्वारा प्रमाण प्रवृत्ति से जो परोक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है उनका नाश वो कभी नहीं कर सकते। आप समझ, भले ही हम परोक्ष को देखते हैं, परोक्ष अपरोक्ष द्वैत जो है हम द्वैत को ही सत्य मान के चल रहे हैं, लेकिन द्वैत को सत्य मानने मात्र से अब हमारी जो परोक्ष बुद्धि जो है वो परोक्ष बुद्धि जो है उनकी विरोधी नहीं है। आप समझो, ये बहुत सुंदर है। भले ही हमें द्वैत की अनुभूति हो रही है, भले हम द्वैत को सत्य मान रहे हैं अभी, लेकिन शास्त्र श्रवण से हमारे मन में जो परोक्ष बुद्धि उत्पन्न होती है वो उनकी विरोधी नहीं है,
वो उनका नाश नहीं कर सकती। आप देखो किसी भी प्रकार से वो संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रमाण से उत्पन्न हुआ है। प्रमाण प्रवृत्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अन्य प्रमाण से उनके कभी भी नाश नहीं होता है। आप मुझे देख रहे हैं और आपको जो ज्ञान हो रहा है उनको अन्य किसी प्रकार की बुद्धि क्या निवृत्त कर सकती? नहीं। और इसलिए कहते हैं भले द्वैत बुद्धि अभी भी है और अपरोक्ष द्वैत बुद्धि माने कि अभी भी उनमें हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, फिर भी ये शास्त्र के द्वारा शास्त्र श्रवण से जो हमारे मन में परोक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है वो परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं कर सकती है। देखो इसलिए प्रमाण प्रवृत्ति जो है ना बलवान है। आप समझो शास्त्र प्रमाण की जो प्रवृत्ति है वो अन्य सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति से भी बलवान है, और इसीलिए शास्त्र से जो परोक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है वो हमारी जो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि है उससे उनका नाश नहीं होता है। आप समझो ठीक से। क्योंकि प्रमाण ही किसको कहते हैं? अपूर्वम। प्रमाण मानी ये तीन शब्द आ जाते हैं, अपूर्व अबाधित स्वतंत्र। अब आपकी जो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि जो है वो ये पांच इंद्रियों मन के द्वारा है तो वो प्रमाण अलग है, और आपकी जो परोक्ष बुद्धि हुई है वो शास्त्र प्रमाण से है। आप समझ रहे हो ना? तो शास्त्र प्रमाण से जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, जो परोक्ष बुद्धि है, वो अपूर्व है। वहां अन्य प्रमाण का कोई प्रवेश नहीं है। अबाधितम, अन्य प्रमाण के द्वारा वो बाधित नहीं हो सकता, और स्वतंत्र भी है, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है उनको। और इसलिए कहते हैं कि द्वैत बुद्धि जो है वो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण या परोक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुई है, और जो परोक्ष बुद्धि है वो शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुई है, और शास्त्र प्रमाण से जो उत्पन्न हुई बुद्धि है वो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उत्पन्न हुई द्वैत बुद्धि जो है वो ये परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं कर सकती है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए ब्रह्म सुविज्ञेयम्, और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान भी सरल है हमारे लिए, क्योंकि अन्य प्रमाण के द्वारा उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, अन्य प्रमाण उनको बाधित नहीं कर सकते। तो शास्त्र प्रमाण का जो शास्त्र प्रमाण की जो प्रबलता है उनके ऊपर हमें श्रद्धा करनी, श्रद्धालो हो शास्त्र दर्शिन। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं शास्त्र प्रमाण है। आप देखो जिस प्रकार से आंख के द्वारा आप मुझे देख रहे हैं, चक्षुर इंद्रिय से आप दर्शन क्रिया कर रहे हैं, उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, तो ब्रह्म ज्ञान सरल है। और ये परोक्ष, भले वो परोक्ष बुद्धि है, ब्रह्म ज्ञान भी परोक्ष बुद्धि होते हुए भी ये द्वैत बुद्धि जो है वो कभी भी उनको निवृत्त नहीं कर सकती। अर्जुन को भी ये शंका थी कि भगवान ये श्रवण तो मैंने किया, छठा अध्याय ध्यान योग में भगवान यही अर्जुन प्रश्न करता है, योयम योगस्त्वया प्रभु, भगवान ये योग आपने दर्शन आपने किधर कर दिया, लेकिन भगवान अगर प्रारब्ध के अनुरूप ये शरीर छूट गया तो मेरा क्या होगा? अब सुन, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। आप देख, आप जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं आपको शास्त्र श्रवण के द्वारा जो भी परोक्ष बुद्धि हुई है उनका नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाएगा लेकिन वो बुद्धि आप लेके जाएंगे। लपते तत्र पूर्व देहिकम बुद्धि, भगवान कहते हैं पूर्व देह में आपने जो ये बुद्धि प्राप्त करके रखी है वो आपके साथ आएगी। जितना भी आपने श्रद्धा पूर्वक शास्त्र श्रवण किया है वो आपके साथ रहेगा, उसका नाश नहीं होता है।
सम, क्योंकि वो प्रमाण से उत्पन्न हुआ है ना, ये परोक्ष बुद्धि शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हुई है, और इसका नाश, ये शरीर का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस देह में जिसने शास्त्र श्रवण श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक शास्त्र श्रवण जिसने किया है, अगर कोई ऐसा संयोग बन गया और ये शरीर छूट भी गया तो भगवान क्या कहते हैं, सूचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो बिजायते। या तो उनके कोई सूचि नाम मानी धर्मनिष्ठ जो है श्रीमताम, धनवान भी है और धर्मनिष्ठ, ये बहुत दुर्लभ है, आप समझ रहे, धनवान भी होना और धर्मनिष्ठ भी होना ये दुर्लभ है, लेकिन उनका जन्म ऐसे कोई परिवार में होता है जो धनवान भी है और धर्मनिष्ठ भी है, भक्ति परायण ईश्वर परायण परिवार है। अथवा योगिनाम एव कूले भवति धीमताम, या तो फिर वो योगी के कुल में उनका जन्म होता है, तत्र पौर्वद लभते पौर्वदेहिकम, वहां रहकर उनकी बुद्धि जो है वो पूर्व देह में जो शास्त्र श्रवण किया है, जो भक्ति की है, उसके साथ जुड़ जाता है, उनकी बुद्धि वहां जुड़ जाती है। और इनका अर्थ क्या हुआ, भगवान कहते हैं कि अधिक से अधिक उनको दो जन्म होते हैं, क्योंकि बहुत सारी तपस्या की है तो पुण्य के कारण वो स्वर्गलोक में जाएंगे और फिर वहां से उनका यहाँ जन्म होगा, या तो फिर सीधा ही यहाँ उनका जन्म हो जाता है और सीधा मनुष्य जन्म उनको प्राप्त होता है और सीधे ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आप देखो क्यों, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से जो बुद्धि उत्पन्न होती है उनका नाश कोई नहीं कर सकता, देखो ये श्रद्धा करनी पड़ेगी, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धालु हो शास्त्र दर्शिन है, जो श्रद्धालु जन है जो शास्त्र दर्शी है उन लोगों के लिए ये परोक्ष द्वैत बुद्धि, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि जो है वो कभी भी परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी प्रबल प्रमाण ये शास्त्र प्रमाण है, आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।